बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइल के टाइप्स देख ली, लेकिन वो थी आपके पास यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। मतलब आप देखते हो कि जब आप सिरे से कोई नई फाइल क्रिएट करते हो, ठीक है, या इनिशियल लेवल पे उस फाइल को जब क्रिएट करते हो, तो वो आपके पास मास्टर फाइल कहलाती थी। और जब आप जो है उसमें चेंजेस परफॉर्म करते थे, कोई वर्किंग करते थे, तो ड्यूरिंग द वर्किंग स्टेट, जैसे कह लो कि डाटा में जब आप कोई अमेंडमेंट्स कर रहे होते थे, तो फिर वो जो फाइल थी उस स्टेट में आपके पास ट्रांजैक्शन फाइल कहलाती थी। और जब आप अपनी फाइल को फ्यूचर के हवाले से डाटा को सिक्योर करते थे और उसके लिए अपनी फाइल की एक कॉपी जनरेट कर लेते थे, तो वो कॉपीड फाइल आपके पास क्या कहलाती थी? आपकी बैकअप फाइल कहलाती थी। ये था यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा था। आज के लेक्चर में आपने फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से टॉपिक को देखना, इसे एक दफा ऊपर से देखे पढ़ लेते हैं। फॉर दिस पर्पस द फाइल्स आर गिवन अप्रोप्रिएट नेम्स कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंशन। फंक्शनली आपके पास फाइल्स किस तरह से एक्ट करती हैं, किस तरह से बिहेव करती हैं, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी कोई भी फाइल जो सिस्टम में एग्जिस्ट करेगी, उस फाइल को जब आप सेव करोगे तो उसका एक प्रॉपर नेम होगा और एक प्रॉपर एक्सटेंशन होगी, जिससे में और नाम में और एक्सटेंशन में जो आप फर्क देखोगे वो ये होगा कि उसके सेंटर में एक डॉट होगा, ठीक है। और नॉर्मली ये होता है कि जब आप फाइल को सेव करते हो ना, फर्स्ट टाइम आपने फाइल क्रिएट की होती है, और जैसे ही आप उसे सेव करने लगते हो तो वो आपसे उस फाइल को सेव करने के हवाले से उसका नाम पूछता और क्या करता है, उसकी एक्सटेंशन आपसे पूछता, और आप वहां ही उसकी एक्सटेंशन सिलेक्ट कर लेते हो। एक्सटेंशन ही है जो असल में जो है फाइल की टाइप को जज करने के लिए यूज होती है, या इसे ये कह लो कि आप ये पता चलता है कि फाइल जो है किस फंक्शनली जो है फाइल किस तरह से एक्ट करेगी, ठीक है। मतलब एज अ इमेज एक्ट करेगी, एज अ एक्सेल की शीट एक्ट करेगी, एज अ कोई डॉक्यूमेंट है, या ऐसे कह लो कि फाइल टाइप्स आपने ये देखी है ना, एक वर्ड होता है आपके पास, टेक्स्ट भी आपके पास फाइल की टाइप है, ऑडियो है, वीडियो है, तो इन फाइल की टाइप्स को ऐसे कह लो कि मेजर करने के लिए इनकी एक्सटेंशन हमें मदद देती है कि किस तरह से आपकी सेव की हुई फाइल ट्रीट की जाएगी, या सिस्टम में किस हवाले से ओपन की जाएगी, किस टूल के थ्रू ओपन की जाएगी। तो जैसे आपको इसकी एग्जांपल दूंगा, आपने लास्ट अपने मतलब अपनी प्रीवियस क्लास में आपके जो लास्ट लेक्चर थे वो स्प्रेडशीट के हवाले से, आपने एक सॉफ्टवेयर देखा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। तो उस एक्सेल में ऊपर जो हम लोगों ने डाटा इम्प्लॉयज का डाटा के बारे में जो पढ़ा है रिकॉर्ड और फाइल्स के हवाले से, उस डाटा को जब आप उस फाइल में इंसर्ट करोगे, या ऐसे करोगे जो एक मैंने ट्यूटोरियल आपको बताया, उसमें आप देखोगे मैंने एक टेबल क्रिएट किया, वो टेबल आप जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्रिएट करते हो, ठीक है, तो उसमें जब आप सेव करोगे ना डाटा, तो सेव करते वक्त आप वो आपसे उसका नाम पूछेगा और उसकी एक्सटेंशन पूछेगा। आप अपनी फाइल का नाम इमेज रख दो और डॉट की बाद जो एक्सटेंशन है उसे आप XLS जो है वो रहने दो और उसे सेव कर दो, तो दोबारा जब आप उसे ओपन करोगे तो वो इमेज के तौर पे आपके पास फाइल नहीं ओपन होगी, वो एक्सेल शीट के तौर पे ही आपके पास ओपन होगी। तो आप देखते हो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ उसका नाम चेंज कर देने से, जिसमें आपने एम्प्लॉय का डाटा इंसर्ट किया था, उसका नाम चेंज कर देने से सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके पास फाइल इमेज में नहीं कन्वर्ट होगी, एज अ इमेज नहीं ओपन हुई सिस्टम में, वो उसकी एक्सटेंशन की वजह से जो है वो आपके पास एक्सटेंशन की बेस पे, ऐसे कह लो कि आपके पास वो फाइल ट्रीट की गई, ठीक है, सिस्टम ने एज ए वो एक्सटेंशन की बेस पे उस फाइल को ओपन किया, और जो उसका नाम था वो सिर्फ आपके पास आपको समझने के लिए, या ऐसे कह लो कि आपको याद करने के लिए आपके डाटा के, ये डाटा जो है मेरे पास एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है, तो ये पोर्शन जो था वो सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से को कवर करता है कि फ्यूचर में आप अपनी फाइल को आसानी से सर्च करवा सको या सेव करवा सको। तो आपको जो है वो एक्सटेंशन जो है इस काम आती है आपके। अब इन एक्सटेंशन की बेस पे आपकी जो फाइल्स हैं उनको दो किस्म
की टाइप्स में सेव किया जा रहा है, दो किस्म की टाइप्स हैं आपके पास। इन एक्सटेंशन की बेसिस पे जो हम समराइज कर रहे हैं ना, वो है फर्स्ट आपके पास प्रोग्राम फाइल्स और दूसरी आपके पास डेटा फाइल्स। दीज फाइल्स कंटेन द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस, फॉर एग्जांपल सोर्स प्रोग्राम फाइल्स एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। अच्छा, ये फाइल सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन होल्ड करती हैं, जो फाइल सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन होल्ड करती हैं वो प्रोग्राम फाइल्स कहलाती हैं, और वो सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है। वो जावा के लिए प्रोग्राम लिखा हो सकता, या आप कह लो कि आपके पास C++ में लिखा हो सकता, C में लिखा हो सकता, या किसी और लैंग्वेज में लिखा हो सकता है, ठीक है। तो जब वो सोर्स कोड या वो प्रोग्राम जब आपके पास उस फाइल में सेव होगा तो वो आपके पास प्रोग्राम फाइल कहलाएगी। अब आपने अपने नेक्स्ट पोर्शन में सी के प्रोग्राम जो है वो लिखने हैं, तो सी के जो प्रोग्राम्स हैं आपके पास उन्हें जब आप सेव करोगे तो आप उन फंक्शंस को या उन प्रोग्राम्स को नाम दोगे कोई, और डॉट की एक्सटेंशन के बाद आप देखोगे डॉट सी के नाम से सेव करोगे या डॉट सी पी पी के नाम से सेव करोगे, इट मीन्स C++। तो इट मीन्स कि आपने उसे किसी भी एग्जीक्यूटेबल की एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। और अगर जो आपके पास इस तरह की फाइल्स होंगी जो सोर्स प्रोग्राम को या आपके फंक्शन को होल्ड करती होंगी, उनमें आपका प्रोग्राम लिखा हुआ जो है सोर्स कोड सेव होगा किसी किस्म का, तो वो आपके पास प्रोग्राम फाइल्स कहलाएंगी। द सोर्स प्रोग्राम फाइल्स मे हैव एक्सटेंशन एज .com एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एज .exe, ठीक है। तो यहाँ उसने एक एग्जांपल दे दी कि जो एग्जीक्यूशन वाली फाइल्स होंगी वो .exe के नाम से अमूमन सेव होती हैं, और जो आपके पास सोर्स प्रोग्राम की फाइल्स होती हैं वो आपके पास .com के नाम से सेव होती हैं, ठीक है। .com वाली फाइल्स यूजुअली ISP के थ्रू ट्रीट की जाती हैं, और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं वो लोकल सिस्टम पे किसी न किसी टूल के थ्रू जो है वो आपके पास एग्जीक्यूट होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास डेटा फाइल्स। दीज आर द फाइल्स दैट कंटेन डेटा एंड आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड, जो पहले से यूज हो रहा था। अच्छा, आपके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर मौजूद है, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एग्जांपल ले लेता हूँ, और वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है उसको उसमें डाटा इंसर्ट किया गया और उस फाइल को सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो क्रिएट किया गया। तो वो फाइल जो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिएट की जाए और उनमें डाटा सेव किया जाए, वो डाटा होल्ड करती हों, तो वो आपके पास डाटा फाइल्स कहलाएंगी। जैसे अभी ऊपर एग्जांपल देखिए ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने एम्प्लॉयज का डाटा इंसर्ट कर दिया, तो वो जो डाटा आपने इंसर्ट किया था ना उसमें, वो आपके पास वो वाली फाइल डाटा फाइल कहलाएगी। अब डिफरेंट किस्म का डाटा हो सकता है, मतलब ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है। तो ये सारी फाइल्स जो डाटा होल्ड करती होंगी और वो सिस्टम में मौजूद किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो प्ले होंगी या ओपन होंगी, तो वो आपके पास क्या है, वो डाटा फाइल्स कहलाएंगी। मतलब वीडियो है तो आपके पास किसी वीडियो टूल के थ्रू आपके सिस्टम में प्ले कर दी जाती है, या ऑडियो है तो ऑडियो प्ले कर दी जाती है। तो जो डाटा आपके पास फाइल्स होल्ड करती होंगी वो डाटा फाइल्स कहलाएंगी। डिफरेंट किस्म की एक्सटेंशन है, देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर है और फाइल टाइप्स हैं आपके पास। कहता वर्ड प्रोसेसर है तो इसकी एक्सटेंशन .doc और .rtf होती है, ठीक है। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हो, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा वर्ड प्रोसेसर का एक पूरा चैप्टर था आपके पास, तो वो आपके पास .doc या .rtf रिच टेक्स्ट फॉर्मेट कहते हैं इसे, इस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाएगा। RTF असल में आपके लिखे हुए पैराग्राफ की जो है या टेबल्स के थ्रू उसकी फॉर्मेटिंग है किसी किस्म की, फिर जो है वो RTF की एक्सटेंशन के साथ आपके डॉक्यूमेंट को सेव किया जाता है। सेपरेट शीट आपके पास एक्सेल की शीट है, इसके बारे में भी आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है। उसकी जो एक्सटेंशन है वो XLS होगी या WKS होगी। डेटाबेस के हवाले से कोई एक्सेल की डेटाबेस के हवाले से अगर कोई फाइल सेव करते हो तो वो .dat, .dbf और .mdf के साथ की एक्सटेंशन के साथ सेव होंगी। और इसी तरह से मजीद एक्सटेंशन हैं। आप टेक्स्ट फाइल एक सिंपल नोटपैड पे जो है वो क्रिएट करते हो तो वो .txt के नाम से सेव होगी। इमेज है तो आपके पास JPJ, EPS, GIF एटसेट्रा, मतलब ये आपके पास ऐसे कह लो कि इमेजेस की रेजोल्यूशन के हवाले से इनकी एक्सटेंशन में चेंज या फर्क आ जाएगा।
ऑडियो फाइल्स हैं तो .wav और .mid के साथ, वीडियो फाइल्स हैं तो .avi और .mpg के साथ। अब ये फाइल्स जो हैं आपके पास, सॉरी ये जो एक्सटेंशन है आपके पास, जब आपके पास डाटा फाइल्स की डेफिनेशन आएगी तो उस हवाले से ये लिखना ज़रूरी है। दूसरा, इनसे फेमिलियर होना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, ठीक है।